हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। ये फिल्म जब से रिलीज हुई है तभी से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाई जा रही है। हाल ही में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि सिम्बा ने सलमान खान की रजिस्ट्री के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे कर साल 2018 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। वहीं अब लीजिए, सिम्बा ने एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला है और वो भी 2.0 का। दरअसल सिम्बा ने अब तक 190 करोड़ 64 लाख की कमाई कर ली है। इसी के साथ सिम्बा ने अक्षय की 2.0 को भी कमाई के मामले में हरा दिया है। बता दें कि 2.0 ने हिंदी वर्जन के जरिए बॉक्स ऑफिस पर 190 करोड़ की कमाई की थी। ऐसे में सिम्बा साल 2018 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। कहना गलत नहीं होगा कि सिम्बा को दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है कि ये फिल्म हर किसी के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। अब रणवीर सिंह की निगाहें खुद की पद्मावत के रिकॉर्ड की तरफ है, जिसने लगभग 300 करोड़ की कमाई की है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि रणवीर खुद की फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं। बात करें सिम्बा के बजट की तो फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ रुपए है। साथ ही इस फिल्म को भारत में 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। वेल, देखना तो अभी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आने वाले दिनों में और कौन सा बड़ा धमाका करती है। वैसे आपको क्या लगता है, ये फिल्म रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।